जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। अरे आइए ना ओ साहेब, आरती कीजिए ना। बदले में भगवान अपने प्रसाद के रूप में चेकबुक से पैसे निकलवा कर देंगे। कुरियर, लाइए मुझे दीजिए। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे कल्याणी ने आओ साहेब को दे दिए। कल्याणी, आओ साहेब को कहाँ से पैसे ला कर दिए तुमने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों छुपा रही हो? कहाँ से आए पैसे? मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए? 3 बार मेरे वार से बच चुके हो तुम कल्याणी। आज नहीं, आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि तुम बचोगे नहीं। पवार, मेरे बच्चे को उठा के ले गया, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम कर, घर के पास जितने भी तीनों नाके हैं ना, सब पे नाकाबंदी लगा दे। हाँ दिमाग खराब है तुम्हारा? पहलवान समझती हो खुद को? 30 किलो का वजन जब सर पे गिरता है, जानना चाहती हो कैसा होता है? मैं नार्जी, मैं तो सिर्फ पिल्लू को बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे सिर्फ दिखाना था कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। पिल्लू, मैं सच में बहुत स्ट्रांग हूँ। तुझे क्या लग रहा है कि एक बार तेरे बाबा ने मेरे हाथों वेट गिरने से बचा लिया तो मैं वीक हो गई? ऐसा नहीं है नार्जी, मैं वीक नहीं हूँ। आपको यकीन नहीं होता? तेरे बाबा डर गए तो कोई और क्या ही चीज है मेरे सामने। अरे अरे, सबको मैं ऐसे धूल चटा। कल्याणी देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। कल्याणी, कल्याणी देखो मेरी तरफ, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। देखो मोक्ष की तरफ। तुम्हें पता है कल्याणी, हर बच्चे के लिए उसका हीरो उसका बाबा होता है। लेकिन आज मैं ये बात पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि मोक्ष के लिए उसकी हीरो तुम हो। शक्ति का सबसे बड़ा सबूत
प्यार होता है और मोक्ष को तुमसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। मल्हार जी, वो आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। इस सोमवार 18 मार्च को देखिए किस्मत छीन रही है अस्मिता से उसका हर एक सुख। ऐसी हालत में क्या शान दे पाएगा उसका साथ? क्या होगा अस्मिता का अगला मुकाम? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। मैं आ रहा हूं। प्लीज, आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी, मुझे ऋषभ जी से शादी नहीं करनी। तुम चाह तो रही हो पर तुम्हारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर दिया। न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। मुझे धोखा देगी बोल। दादी छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। भाई भाई इन्हें जाने दीजिए। रुकिए। खून का रंग पानी से अधिक गहरा होता है। अपनी छोटी बहन को प्यार से गले नहीं लगाओगी दीदी? 3-3-3 के सच का पीछा करते हुए वेदिका के सामने आई एक नई पहेली। घर में आई इस औरत और घुंघरू के रिश्ते का आखिर क्या है सच? क्या वेदिका सुलझा पाएगी इस पहेली को? जानने के लिए देखिए सोमवार से शुक्रवार आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। राणा साहब, मैंने हमारे बीच के कांटे को निकाल दिया। अब हमें एक होने से कोई ना रोक सके। आप हमारे साथ रहेंगे ना? मैंने अपना प्यार देंगे ना? आप ये सब कैसे हो रहा है? ये तो मर चुकी है, फिर ये कैसे हो सके? मरी ना ही। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। मुझे धोखा देगी बोल। क्या हो रहा है सब? दादी छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। भाई भाई इन्हें जाने दीजिए। रुकिए। ये सारी शरारत खालिद मियां की है। वो शरिया बोर्ड के साथ साथ आपको भी बदनाम करने की चाल चल रहा है। हाय हाय। हाय हाय। के
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है।